कसरावत की कृषि उपज मंडी में कपास, सोयाबीन और मक्का की नीलामी का शुभारंभ हुआ है। मुहूर्त में पधारे व्यापारियों ने बोली लगाकर मुहूर्त का कपास खरीदी किया। कपास का उच्चतम भाव 7050 एवं न्यूनतम भाव 5105 मॉडल भाव 6500 रुपए रहा, तो वहीं मक्का 1900 रुपए एवं सोयाबीन 4400 रुपए के उच्चतम भाव पर बिका। व्यापारी मितेश पाटीदार ने बताया कि पिछले दिनों मौसम की अनियमितता के कारण किसानों का काफी नुकसान हुआ है, इसलिए हम किसानों की फसल उचित दाम पर खरीद कर किसानों को प्रेरित करेंगे कि वह कसरावत कृषि उपज मंडी में ही अपनी फसल लेकर आए। सही दाम मिलेगा तो किसान दूर की बड़ी मंडी में क्यों जाएगा, निश्चित ही कसरावत मंडी में आएगा। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। 44,500 रुपया 44,500 रुपया 44,500 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
से किसानों के चेहरे पे जो खुशी दिखी गई, क्या लगता है आगे भी इसी तरीके से खरीदी जारी रहेगी और क्या कितनी गाड़ी आई थी और क्या क्या बिका आज? आज कृषि उपज मंडी का हम लोगों का इसी दिन का मुहूर्त रखा, क्योंकि क्या है कि पिछले साल से थोड़ा सा 16 साल खत्म होने के बाद ही रखा। आज मंडी में कपास की 11 वाहन 3 रेलगाड़ी आई, भाव रहा 52,000 से 7,000 रुपये तक, मक्का 1900 रुपये प्रति क्विंटल बिका क्योंकि अन्य मंडियों के अपेक्षा अधिक भाव है, सोयाबीन 3400 से 4500 रुपये क्विंटल बिका जिसमें 3 वाहन थे। मंडी समिति कसौल का सदा प्रयास रहा है कि किसानों को उचित मूल्य प्राप्त हो और इसलिए तो कृषि उपज मंडी समिति कसौल प्रयासरत है और ये आज किसानों के चेहरे पे बहुत खुशी देखी गई, उसका कारण है कि उनको उचित मूल्य प्राप्त हुआ। सर, इस बार बारिश की अनियमितता से किसान वैसे बहुत परेशान था और आज उसकी उपज लेकर के मंडी पहुंचा है, लेकिन आज हमने देखा कि चेहरे खिले हुए थे, किसानों को भाव ठीक मिला, अच्छा मिला, आपने सबसे ज़्यादा खरीदी करी, क्या कहेंगे आप आज के? निश्चित ही क्षेत्र में जो वर्षा बीमारियों की वजह से या वर्षा के कारण जो नुकसान हुए थे, तो किसान को ऐसा अंदेशा था कि मुझे मंडी में भाव कम मिलेंगे, मगर हम किसानों को निश्चित ये करना चाहते हैं कि यदि किसान अपनी उपज का सही मूल्य प्राप्त करेगा यहाँ मंडी का सावन में, जिस हिसाब से अन्य क्षेत्रों की मंडियों के जैसे धामनोद क्षेत्र या खरगोन क्षेत्र की बात करें, उन मंडियों के बराबर ही हम यहाँ पर रेट उनको मूल्य उपलब्ध करवाएंगे। आज कितना समय खरीदा कपास और कैसा रहा, कपास की क्वालिटी क्या थी? कपास की क्वालिटी के अनुसार अभी हमने आज 7050 के अधिकतम मूल्य पर कपास को खरीदा है। और सोयाबीन और मक्का भी थी? सोयाबीन मक्का में अन्य खरीदार साथी थे, अन्य व्यापारियों के द्वारा अच्छे भावों में 4400 तक के भावों में सोयाबीन को खरीदा गया। सर, आप कुशाव्रत से हैं, आप किसानों के हित के लिए सोचते हैं और आज कसरावत कृषि उपज मंडी में भी जो उद्घाटन था, तो क्या लगा आपको? सर, हमारा जो सरकार का उद्देश्य है कि किसान अपने कच्चे माल को प्रोसेस करके मार्केट से जोड़े तो लाभकारी मूल्य प्राप्त कर सकता है। पिछले साल भी हमने यहाँ पर मंडी चालू करवाई थी, परंतु व्यापारियों की कमी से यहाँ मंडी चल नहीं पाई, परंतु आज ऐसे लगता है कि जो यहाँ व्यापारी आए जिन्होंने खरीदा माल, और हमारे लिए खुशी की बात ये है यहाँ के किसानों के लिए कि अगर यहाँ पास में जो ये मंडी चलेगी तो जो बड़ी मंडियाँ हैं उन पर दबाव कम होगा, किसान को वहाँ 2-2 रोज रुकना पड़ता है, शायद वो यहाँ की ये मंडी चले और उसको यहाँ अच्छा भाव मिलेगा तो किसान को समय की भी बचत होगी और यहाँ के व्यापारियों को भी लाभ मिलेगा, उनको भी लगेगा कि यार ये पास की मंडी है और किसान भी जागरूक रहे, और हमारा भी उद्देश्य यही है कि हम किसान का
माल खरीद करके उसको प्रोसेस करके बड़े मार्केट से जोड़े ताकि वो लाभकारी मूल्य प्राप्त कर सके। क्षेत्र में और इसको लेकर क्या काम हो रहे हैं आपके? अभी हमारा जैसे मंडी लाइसेंस भी है, फर्टिलाइजर का भी है, पेस्टिसाइड का है, और किसानों के बीच में अभी जो सरकार की योजना है उसमें हम ड्रोन खरीद रहे हैं जिसपे 7.5 लाख रुपये सब्सिडी है। तो किसानों के बीच में आज जो मजदूर की समस्या है उसके निराकरण के लिए हमको मशीनीकरण की तरफ भी जाना पड़ रहा है, तो किसान को उसको घर पहुँच सेवा मिले और उसका लाभकारी मूल्य उसको मिले, इसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे। क्या शुभ नाम लिखते? मैं सुरेंद्र सिंह, भगवंत सिंह मजदूर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।